चैप्टर 6 गोल्डन रूल्स टू लिव लॉन्गर, लंबे समय तक जीने के गोल्डन रूल्स। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू लिव लॉन्ग एंड नोबडी वॉन्ट टू डाई अर्ली, सब लोग लंबे समय तक जीना चाहते हैं, कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता। आवर बॉडी इज़ अ डेडिकेट ऑटोमेटिक मशीन, हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, ऑटोमेटिक मशीन है। सो टू कीप इट फिट एंड इन वर्किंग ऑर्डर फॉर अ लॉन्गर, सो इसे हमें फिट रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, मतलब काम करने लायक रखने चाहिए लंबे समय तक। वी शुड फॉलो सर्टेन रूल, हमें कुछ सर्टेन कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रहे और हमेशा अच्छे लंबे समय तक काम कर सकें। दिस आर द गोल्डन रूल्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ, के ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। डाइट, उनमें से एक है डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट, हमें अपने डाइट के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ईट एंड ड्रिंक ऑल दैट यू रिक्वायर एंड नथिंग मोर, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें खाना और पीना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मॉडरेशन कीप यू फिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड एक्सेस मेक्स मैनी ऑफ अवर सिस्टम बी वीक, मतलब हमारे खाने पे हमें अगर हम हमारे संयम ही रहेगा यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो वो हमारे सिस्टम को वीक भी कर सकता है। व्हेन यू हैव फिनिश्ड ईटिंग और ड्रिंकिंग स्टॉप एंड डोंट टेक मोर, अगर तुमने खा लिया है और जो पी लिया है तो अब बस हो गया, एक बार खा लिया फिर उसके बाद ज़्यादा ना खाओ, लगता है कि हाँ मैंने ख़त्म कर लिया, मैं इससे ज़्यादा एबिलिटी नहीं है तो उससे ज़्यादा मत खाओ। व्हेन यू वांट सम मोर, अगर तुम्हें और चाहिए टेक इट अगेन, फिर से ले लो, लेकिन ज़्यादा एक साथ ज़्यादा लेना अच्छी बात नहीं है। अगर लग रहा है कि भूखे हैं अभी भी पेट खाली है तो और ले लो। व्हेन एवर यू नीड ईट एंड ड्रिंक, जब भी तुम कभी भी चाहिए कि खाने के लिए और पीने के लिए, बट नॉट मोर देन यू नीड, लेकिन जितना तुम्हें चाहिए उतना ही लो खाने के लिए और पीने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल, ईट टू लीव एंड डोंट लीव टू ईट, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जीने के लिए खाते हैं ना कि खाने के लिए हम जीते हैं, ठीक है, ये गोल्डन रूल है और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ईट टू लीव एंड डोंट लीव टू ईट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी यूज्ड वी शुड ईट, अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या खाना चाहिए, and what we should not eat, और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। eat everything but according to the capacity of our stomach, हमें हर सब कुछ खाना चाहिए लेकिन हमारे stomach की capacity के हिसाब से। to the adaptability of your system, कितने adapt कर सकता है, क्या चीज़ सही है उसके हिसाब से खाना चाहिए। everything which nature has provided us to eat has some or the other advantages, everything यानी कि हर चीज़ जो कि हमें नेचर से मिली है वो सब हमें खाना चाहिए और वो हमारी बॉडी को एडवांटेजेस ही देते हैं। सो वी शुड ट्राई टू हैव अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हर चीज़ का टेस्ट करते रहना चाहिए जो नेचुरली हमें मिली है नेचर के द्वारा। नेचुरल फूड इज़ मोर बेनिफिशियल देन आर्टिफिशियल, नेचुरल फूड जो रहते हैं जो कि पेड़ों से मिलते हैं हमें या फिर ठीक है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं जो मैनमेड फूड होते हैं डिलीशियस एंड हैवी डिशेस आर जनरली हार्मफुल, जो डिलीशियस होती टेस्टी होती है और जो भारी यानी कि ऑयली वगैरह फूड होता है वो कैसा होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स मिल्क एक्सेट्रा आर यूजफुल फूड्स, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स खाना, ग्रीन वेजिटेबल खाना, मिल्क खाना, ये सब बहुत ही अच्छे होंगे हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो फूड्स ग्रीन वेजिटेबल और मिल्क, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड सीजन दे मे चेंज, लेकिन सीज़न के हिसाब से और क्लाइमेट जो वेदर है उसके हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ विटामिन इज़ वेरी एसेंशियल, विटामिन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट विटामिन आर यूजफुल इन डिफरेंट वेज, जो अलग अलग विटामिन होते हैं वो अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल टाइप ऑफ विटामिन, हमारी डाइट में सारे विटामिन होना चाहिए
एंड मिनरल्स मिनरल्स ही होना चाहिए, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। अगर हम इक्वल अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स दे रहे हैं जितना हमें चाहिए तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। सो फॉर कीपिंग अवर सिस्टम एंड बॉडी बैलेंस, सो अगर हम ये सब मेंटेन रखेंगे, इन प्रोपोर्शन में रखेंगे, तो हमारी जो बॉडी रहेगी वो कैसे रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट, तो हमें हमेशा बैलेंस डाइट रखना चाहिए। तो ये विटामिन का चार्ट दिया गया है। विटामिन ए इज़ टू बी फाउंड इन ग्रीन लीव्स, एग्जाम्पल कैबेज, पार्सले, लीटर्स, क्रीज एंड लीक्स। ये जो ग्रीन लीव्स हैं इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए भी एसेंशियल है। इन येलोइश एंड रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑरेंजेस, टमाटो एंड कैरेट, ठीक है। विटामिन बी इज़ टू बी फाउंड इन सीरियल्स में फाउंड मिलता है, नट्स में, मिल्क में और बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी, जैसे कि लीटर्स में, कैबेज में, पीज में, बीन्स में एक्सेट्रा। विटामिन सी इज़ ऑल्सो, इट इज़ टू बी फाउंड इन, विटामिन सी हमें फ्रेश वेजिटेबल जितने भी होते सारे उन सब में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, पर्टिकुलरली इन ब्रूसल स्प्राउट्स में मिलता है, कैबेज में मिलता है, कॉलीफ्लावर में, अनियन में, स्पाइनिच में और पटैटो में, ठीक है। कैबेज पता है, स्प्राउट पता है। विटामिन डी टू बी फाउंड इन मिल्क, और विटामिन डी कहाँ मिलता है, मिल्क से मिलता है हमें। विटामिन इज टू बी फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल सीरियल्स, स्पेशली ऑफ वीट, ग्रीन प्लांट्स, स्पेशली लीटर्स, क्रेज, ग्रीन पीस, बीन्स एंड मिल्क, ठीक है। विटामिन ई हमें इन सब से मिलता है, इन सब के एम्ब्रियो से मिलता है, ठीक है। स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ, हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही इंजीरियस है, मतलब कि जो स्मोकिंग है बहुत ही डेंजरस है। द सिगरेट हैव वेरी वायलेंट स्टफ कॉल्ड निकोटीन, उसके अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है हमारे लिए, ठीक है, खतरा रहता है एक तरीके से। अ स्मोकर एब्जॉर्ब अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ निकोटीन विथ एवरी सिगरेट ही स्मोक, जितने भी वो स्मोक लेता है, जितने भी वो सिगरेट पीता है, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में निकोटीन उसके अंदर जाता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टरीज, पर्टिकुलरली इन द हैंड एंड फीट, तो इससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है आर्टरीज कहाँ कहाँ, हैंड में और फीट में, ठीक है, इसके कारण से। दस द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट वर्क्स इज रेज, जिससे कि अगेंस्ट, जिन्हें हार्ट में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, प्रेशर अगेंस्ट होता है, ठीक है, विच जो कि हार्ट का जो वर्क है वो बढ़ा देता है, ठीक है, तेजी तेजी से हार्ट का वर्क बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट वर्क्स इज रेस्ड। इट कॉजेज हार्ट अटैक, इससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। बेसाइड दिस एक्सेस स्मोकिंग अफेक्ट अवर लंग्स एडवर्सली, इससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं उसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन टू अवर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, इससे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है बल्कि ऑक्सीजन की जगह। दस द ब्लड विच शुड बी प्योरीफाइड बाय ऑक्सीजन, जिससे क्या होना चाहिए था कि ऑक्सीजन आना चाहिए था, ठीक है, उससे हमारा ब्लड क्या होता है, प्योरीफाइड होता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। इज स्पॉइल्ड विद वैन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस इन इट, तो क्या होता है, इसमें नुकसान हो जाता है, किस कारण, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो। स्मोकर हु स्मोक्स इन एक्सेस सफर फ्रॉम कफ एंड अस्थमा, जो स्मोक करते हैं उन्हें किससे सफ़र करना पड़ता है, खांसी और उसमें अस्थमा से, ठीक है, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। नैदर ही कैन टेक अ साउंड स्लीप इन द नाइट नॉर ही लेट अदर स्लीप,
ये बिना साउंड के बिना वो खर्राटे लिए सोते हैं बल्कि और लोगों को भी सोने नहीं देते हैं। सो एवरीबॉडी शुड अवॉइड स्मोकिंग, तो हम सबको अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग करने से। इफ़ यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, अगर तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो स्मोकिंग करने से कम्प्लीटली, तो इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अपॉन योरसेल्फ। तो कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन लाने पड़ेंगे अपने लिए कि ये नहीं करना वो नहीं करना लाइक ऐसे, ठीक है, अगर हम अपने आप को कम्प्लीटली रोक नहीं सकते हैं। तो स्मोक ओनली अ पाइप नाउ एंड देन, ठीक है, हमें थोड़े से सोचना चाहिए कि हम सिर्फ थोड़ा सा ही स्मोक करेंगे, है ना, ठीक है। डोंट स्मोक इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड, अदरवाइज दे विल कंपेल यू अगेन एंड अगेन टू स्मोक। हमें कभी भी दोस्तों के साथ स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो हमेशा हमें क्या करेंगे, मजबूर करेंगे स्मोक करने के लिए, ठीक है। हैव अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू स्मोकिंग, दो स्मोकिंग करने से पैक के बीच में अच्छा लंबे समय, मतलब टाइम इंटरवल जो होना चाहिए दोनों के बीच में बहुत लंबा होना चाहिए, ठीक है, बहुत समय। अगर नहीं रोक सकते तो थोड़ा कंट्रोल करो कि थोड़ी देर बाद पीऊँगा थोड़ी देर बाद पीऊँगा, ठीक है, ऐसे। डोंट स्मोक इन द थिएटर, थिएटर में हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, इन द चर्च, चर्च में भी नहीं करना चाहिए, इन द रीडिंग रूम, रीडिंग रूम में भी नहीं करना चाहिए, ऑन द लिफ्ट, लिफ्ट में भी नहीं करना चाहिए स्मोकिंग, और एट सच अदर प्लेसेस वेयर पीपल असेंबल, और जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे भी हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। थर्ड, एक्सरसाइज, सम पीपल थिंक दैट एक्सरसाइज इज अ चार्म विथ मैजिकल पावर, कुछ लोग सोचते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसमें क्या है, एक मैजिकल पावर है एक्सरसाइज में। इट कीप्स अवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग, जो कि हमारी बॉडी को क्या रखती है, फिट और स्ट्रांग रखती है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट मेयर एक्सरसाइज हैज़ नो मैजिक, मात्र एक्सरसाइज में ही कोई पावर नहीं होता। सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो आर एलिड टू इट, इसमें कुछ और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पीपल्स अबाउट टेकिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियन है एक्सरसाइज को लेके। सम ऑफ देम आर, किसी की है कि गिवन बिलो कुछ ऐसी दी गई है, द बेस्ट रूल इज़ टू टेक एक्सरसाइज व्हेन वन फील्स इंक्लाइंड टू टेक इट, सबसे बेस्ट रूल है, किसी के ओपिनियन के हिसाब से, मतलब कि सबसे बेस्ट रूल है कि एक्सरसाइज लेने का, व्हेन अगर एक बार इच्छा हुई कि मतलब मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए और एनी अदर टाइम, और कभी इच्छा हुई कि मुझे नहीं करना, यानी कभी करना और कभी नहीं करना, ठीक है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो इससे कोई असर ही नहीं होता है। इफ़ द डिज़ायर फॉर एक्सरसाइज स्ट्रांग, अगर तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी डिज़ायर है एक्सरसाइज करने की, थ्रो असाइड ऑल इंगेजमेंट वेदर दे बी दोज ऑफ सोसाइटी और बिजनेस एंड टेक इट, ठीक है, जो कुछ भी हो अगर तुम्हारे अंदर अच्छी डिज़ायर एक्सरसाइज को लेके, देन तुम कुछ भी करो, इंगेज करो, कैसे भी करो, कोई भी काम कर रहे हो तुम, किसी कितने भी काम में बिजी हो, लेकिन उसके लिए टाइम निकालो। लिटिल गुड कैन कम ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज विच रिड्यूसेस लाइफ टू अ मोनोटोनस मशीन, थोड़ी सी ही एक्सरसाइज यानी रेगुलर बेसिस पे अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, टाइमिंग पे करोगे, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा सा जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। वन ऑन द अदर हैंड, इट इफ़ यू हियर द कॉल ऑफ एक्सरसाइज वेन एवर यू मे हैपन टू बी, डोंट नेगलेक्ट इट बट अलाउ इट, अगर कभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है एक्सरसाइज करने के लिए, तो तुम्हें एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। यू मे बी समवेयर एट होम, भले वो होम एंड इन योर ऑफिस और इन योर कार और एट एनी अदर प्लेस, कहीं पे भी क्यों ना हो, तुम घर पे भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, कार में भी कर सकते हो, और कहीं भी कर सकते हो। यू मे टेक अ लिटिल एक्सरसाइज, अगर तुम्हें चाहिए एक्सरसाइज करना है तो कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टेप लाइटली, स्लैप लाइटली एंड स्विफ्टली ऑन द बॉल ऑफ द फुट, ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा आगे पैर करके और
हिलाकर अपने जो पैर के जो फुट के जो बॉल्स होते हैं उन्हें मूव करना, ब्रेसिंग का द मसल्स, जो मसल्स को खींचना ऑफ कैलिस फ्लैशी पार्ट ऑफ लेग, ठीक है, वो जो फ्लैशी पार्ट होता है अपने पैर की उसे खींचना, ठीक है, एंड रेजिंग और अपने पैर उठा लेना ईच नीज एज नियरली एज पॉसिबल टू द चिन, ठीक है, तो मतलब कि झुक जाना अपने पैर उठा के, कुछ एक्सरसाइज जैसी होती है वैसे करना, ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत रहे। बट देयर आर अदर्स हु सेज रेगुलर एक्सरसाइज एट अ प्रॉपर टाइम इज वेरी नेसेसरी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पे कुछ कहते हैं कि जब तुम्हारा मन हो, जब तुम करना चाहो तब तुम कर सकते हो, जहाँ चाहो, ठीक है, ऑफिस हो, होम हो या फिर कार हो, कहीं पे भी तुम जहाँ करना चाहो वहाँ कर सकते हो एक्सरसाइज, कुछ ऐसे लोग हैं। और नेक्स्ट से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए, तभी ये मतलब ज़रूरी है टू कीप अवर बॉडी सिस्टम फिट टू वर्क, ताकि जिससे हमारा जो बॉडी सिस्टम, बॉडी का जो सिस्टम है वो फिट रहे, ठीक है, अगर हम टाइम पे वो करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे। टेकिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड इन अवर डेली रूटीन, और जो एक्सरसाइज करना ये हमारी रूटीन में शामिल होना चाहिए। नो डाउट एक्सरसाइज शुड नॉट बी टेकन इन बिग डोसेस, लेकिन ये तो है कि मतलब एक्सरसाइज हमें ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज नॉट एन एथलीट और अ वेट लिफ्टिंग चैम्पियन, जो सब कोई होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, वो कोई मतलब एथलीट्स मतलब जो गेम खेलने वाले होते हैं, जो चैम्पियंस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, वो नहीं होते हैं, और जो ना ही वेट लिफ्टिंग चैम्पियन होते हैं जो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें कुछ अफेक्ट नहीं होगा। बट अ रेगुलर और अ माइल्ड एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी, लेकिन रोज़ करने और थोड़ी थोड़ी माइल्ड यानी कि थोड़ी सी ही एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अ मॉर्निंग वॉक ऑफ अ किलोमीटर और टू अ डे वुड हेल्प, अगर मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं कुछ किलोमीटर ही क्यों ना, और दो बार घर एक दिन में दो बार क्यों ना करें, तो वो बहुत ही अच्छी होती है। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट इन ऑफिस और इन दी होम वुड नॉट हर्ट एदर, और चढ़ना मतलब कि सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक है, ये हमारे घर पे क्यों ना या फिर ऑफिस में क्यों ना, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। द मेन पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइज टू कीप द जॉइंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी मूविंग, तो मेन पर्पज़ क्या है एक्सरसाइज का, हमारी जो बॉडी है उनके जो जॉइंट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनका वर्क, ठीक है, अगर वो चलते रहेंगे, जैसे मशीन होती है, मशीन को अगर वो चलती रहेगी जब तक ठीक रहेगी, नहीं तो वो रुकी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगा, वो अटक जाएगी, ऐसा वैसे ही हमारी जो बॉडी है अगर वो चलती रहेगी, मूव करती रहेगी, कुछ ना कुछ वर्क करती रहेगी तो वो फिट रहेगी और वैसे ही रहेगी हमेशा। टू चेक द फैटी रिपोज टू द आर्टरीज एंड टू कीप द बॉडी एक्टिव, ठीक है, तो इसी से क्या होता है, ये फैट जो रहता है डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज में और जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज कॉज न्यू ब्लड पाथवे टू डेवलप, तो जो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं हम तो इससे क्या होता है, न्यू पाथवे ब्लड का पाथवे बनता है, ठीक है। ओवर स्ट्रेन एंड एंड्यू फटीग्स आर द मोस्ट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, तो ज़्यादा तनाव और थकान, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में थकान बहुत ही ज़्यादा हमारे डेंजरस है, हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस है, सो अवॉइड देम, तो हमें ज़्यादा तनाव टेंशन नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा थकान भी नहीं रखना चाहिए अपने पास, ज़्यादा ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए, सो तो हमारी हेल्थ के लिए जो डेंजरस है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। डोंट डू टू मच वर्क, इट इज़ द ओनली ट्रस्ट वर्दी मेडिसिन टू कीप द बॉडी फिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें ज़्यादा इतना ज़्यादा ज़्यादा वर्क भी नहीं करना चाहिए कि मतलब हमारी कैपेसिटी नहीं है हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, यही हमारी जो हमारी बॉडी इसी से हम फिट रहती है, ठीक है। व्हेन एवर यू फील वर्किंग टू हार्ड, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, वाइल एंड
रीड अ बुक, तो अगर ज़्यादा काम कर ले तो लग रहा है कि थोड़ा रुक जाओ और कुछ बुक्स रीड कर लो, या फिर बाहर घूम जाओ, या फिर कहीं भी चले जाओ। बॉडी, और बाय अ पेपर एट द कॉर्नर एंड देन अगेन स्टार्ट योर वर्किंग। तो कुछ पेपर ले लो, खरीद लो, ठीक है, और फिर वापस से अपना काम करना स्टार्ट कर दो। थाउजेंड ऑफ मैंस आर लिविंग लॉन्ग इन इंग्लैंड एट द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ हरी एंड वरी हु अडॉप्ट दिस रीजनेबल प्लान। थाउजेंड ऑफ मैंस, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जो आदमी होने वो ऐसे ही जीते हैं, क्योंकि वो चिंता ही नहीं करते, वो अपना जो काम है उसको रीजनेबल प्लान के जैसा ही मतलब बना के रखते हो, ठीक है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, और वो अपना काम मैनेज करके रखते हैं। देयर शुड बी मॉडरेशन इन प्लेजर ऑल्सो, यहाँ पे भी क्या है, मॉडरेशन है उनमें, ठीक है। नॉट मोर देन हाफ अ डजन डिनर पार्टीज, डांसेस, थिएटर, सिनेमास एक्सेट्रा शुड बी अटेंडेड इन अ सिंगल वीक्स। हम लोगों को बहुत सारी पार्टीज नहीं करना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो हो, एक हफ्ते में एक पार्टी तो अटेंड कर लेना चाहिए, या फिर पार्टी नहीं तो डांस, या फिर थिएटर या सिनेमा तो जाना ही चाहिए एक वीक में, ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो चला जाए, ठीक है, तो हम फ्री हो जाते, फील फ्री करते, ठीक है। फिफ्थ गोल्डन रूल इज़ फॉर स्लीप, फॉर गुड हेल्थ स्लीप ऑल्सो इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा सोना, ठीक है, अच्छी पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। साउंड स्लीप ऑफ 6 and 7 hours इज सफिशियंट फॉर एन ऑर्डिनरी मैन, एक आदमी के लिए 6 to 7 hours की जो नींद होती है वो काफ़ी होती है। बट इट मे वेरी फ्रॉम मैन टू मैन, ठीक है, अ मैन हु डज मच फिजिकल लेबर नीड्स मोर स्लीप। अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा फिजिकली मतलब काम करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही उसे ज़्यादा थकान हो जाती है, तो उसे स्लीप की ज़्यादा देर तक सोने की ज़रूरत रहती है। ड्यूरिंग स्लीप मैनी ऑफ आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ बॉडी आर एट रेस्ट, हमारे सोते समय हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स सिस्टम रहते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। डज द मैन व्हेन ही वेक अप फील्स रिफ्रेश्ड, जब कोई भी इंसान सो के उठता है, कोई भी आदमी सो के उठता है तो वो कैसा फील करता है, रिफ्रेश फील करता है। एंड डज हिज वर्क विथ मोर वेगर, और बहुत सारी ताकत के साथ, बहुत ज़्यादा जोश के साथ वो अपना काम स्टार्ट करता है। विदाउट प्रॉपर साउंड स्लीप द मैन फील्स हिमसेल्फ डल एंड इनएक्टिव होल डे, अगर हमारी नींद अगर हम पूरी नहीं करता है, कोई भी इंसान अगर अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करता है तो वो पूरा दिन कैसा रहता है, डल रहता है और इनएक्टिव रहता है पूरे दिन। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क, वो किसी भी काम में इंटरेस्ट ले ही नहीं पाता है। अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम सो फार एज इट इज़ पॉसिबल, दिन में सोना हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, कभी भी हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। सम पीपल्स आर हैबिचुअल ऑफ हैविंग अ लिटिल स्लीप आफ्टर लंच, कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद, लंच के बाद वो सो जाते हैं, एंड इन बसेस में भी और ट्रेन्स में भी। इट ऑल्सो रिलैक्सेस दें, ये जो होता है वो उनको रिलैक्स करता है, ठीक है। इफ़ यू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मीन्स योर बॉडी डज नॉट गेट नरिशमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इट वीकन द टिश्यूज, अगर तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ही ज़्यादा सोते हो, जितना नॉर्मल पर्सन को सोना चाहिए उससे ज़्यादा सो रहे हो, तो यानी कि इसने तुम्हारी जो बॉडी है वो वीक होती जा रही है, तुम्हारे जो सेल्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं, और जो वाइटलिटी है वो तुम खो रहे हो। द कार्डियक फॉलिकल्स की जो है सब कुछ वीक हो रहा है। इनफ्यूरिएटेड द विटामिन्स एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, हम ये जो हमारी बॉडी के टिश्यूज, ऑर्गन्स और ये फॉलिकल्स, विटामिन्स, ये सब क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ये वीक हो रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा हमेशा हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज, हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, इसी से जो इंसान है वो हेल्दी बनता है, वेल्दी बनता है और वाइज बनता है। Whenever you go to bed, your mind should be free from excitement. जब भी तुम सोने जाओ तो हमारा जो दिमाग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एक्साइटमेंट, यानी बाहरी जो चिंता वगैरह है, जितने भी थॉट्स हैं उन सबसे क्या होना चाहिए,
फ्री होना चाहिए। बिफोर गोइंग टू स्लीप रीड न्यूज़पेपर, जब भी हम सोने जाएं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए और एनी बुक, कोई सी भी बुक पढ़ लेना चाहिए टिल द स्लीप ओवर पावर यू, जब तक तुम्हें नींद नहीं आए तब तक, ठीक है। डस नेवर अलाउ योरसेल्फ टू गेट ओवर एक्साइटेड एंड नेवर अलाउ योरसेल्फ फील बोर्ड, कभी भी तुम्हारे अपने आप को कभी भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं फील करना चाहिए, ना ही हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बोरियत टाइप नहीं कर लेना चाहिए। ऑलवेज इन्जॉय द कंपनी ऑफ गुड पीपल, हमेशा हमें हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी को इन्जॉय करना चाहिए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए और हमें जो लालच है, ये जो भी है गुस्सा है, ये सबको दूर रखना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज बी चीयरफुल, हमेशा हमेशा हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। नेवर वरी, किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए ऑफ किसी बात की, देन यू विल इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लाइफ एंड विल लिव लॉन्गर, तो तुम अपने जो फ्रूट्स हैं मतलब कि जो तुम्हारे अच्छे लोग हैं, तुम अपनी जो लाइफ है उसे बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे और अच्छे लंबे समय तक जी पाओगे। दिस ऑल आर द गोल्डन रूल्स ऑफ आवर लाइफ टू लिव लॉन्गर। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।